तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 शुरू कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग, आपने पढ़ लिया होगा पहला क्वेश्चन नंबर 5th, तो मैं स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। हम पहले पांचों, चार प्रपोजल्स हैं क्वेश्चन नंबर 5th में, मैं चारों प्रपोजल्स का पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करूंगा, जैसा आप हमेशा प्रिपेयर करते आए हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की कैपिटल है और 500 रुपए का शेयर है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया जी 5000 × 100। तो दोस्तों, ये 5 लाख रुपए की एग्जिस्टिंग कैपिटल आपके सामने आ गई है, तो मैंने यहां पर 5 लाख रुपीस की कैपिटल लिख दी है। सेकंड, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो पहला केस है जी न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख गिवन है। तो 3 लाख में आप एग्जिस्टिंग शेयर्स का बेसिस पे निकाल लीजिए कितना आ रहा है 3 लाख पे। तो मैं मानता हूं कि अगर मैं शेयर 100 रुपए का इशू करूं तो 3000 × 100, 3 लाख रुपए की ये इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। सेकंड है जी, प्लान बी है 1 लाख इक्विटी एंड 2 लाख फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10%। तो मैं यहां लिख रहा हूं 10% फाइनेंशियल लोन और न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, तो 1000 × 100 = 1 लाख और 10% लोन है, तो यहां लिख रहा हूं जी मैं 2 लाख फुल मनी, तो मैं यहां पे पूरा का पूरा 3 लाख से लिख रहा हूं। 1 लाख इक्विटी एंड 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, यहां पर 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है जो क्वेश्चन अभी किया आपने, तो बिल्कुल मैं वैसे ही कर रहा हूं। 1 लाख इक्विटी, ठीक है जी, तो 1 लाख इक्विटी एंड 2 लाख प्रेफरेंस, लो जी ये आपके सामने मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रपोजल का प्रिपेयर कर दिया। 5 और 3 8 लाख, 5 और 2 और 1 8 लाख, ये आ गया जी 8 लाख और ये भी आ गया जी 8 लाख, ठीक है जी। द कंपनी इज हैविंग प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ ₹1,50,000, अभी इस कंपनी की 1,50,000 की अर्निंग है। तो मैं स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगा। स्टेप नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। ये मैंने दोस्तों EBIT लिख दिया, आप तो मुझे लगता है बहुत इजी आप कर सकते हैं। EBIT मैंने लिख दिया 1,50,000 रुपीस, और सभी केसेस में 1,50,000 ही आएगा क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर तो सेम ही है, तो EBIT 1,50,000 आ गया जी। लेस इंटरेस्ट, अब मुझे देखना है कि इंटरेस्ट कहां कहां पर है। पहले केस में तो मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट है भी नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो पहले केस में इंटरेस्ट लेस कर दीजिए, यहां पर फिगर लिख दीजिए EBT
और ये फिगर आ गई 1,50,000 लेस टैक्स, यहाँ पे टैक्स मैंने लेस कर दिया 50%, तो 75,000 रुपीज लेस कर दिया जी, बाकी बच गया 75,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, है ही नहीं। बैलेंस जो बच गया उसको मैंने कह दिया प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 75,000 ही बच गया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये आप निकाल सकते हैं पहले केस में 5 और 3 8,000, 5 और 3 8,000 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 8,000 ये फिगर आ रही है जी 9.375, आंसर बिल्कुल टैली कर रहा है 9.375। मैं आ गया प्रपोजल नंबर 2 की तरफ, मैं प्रपोजल 2 में इंटरेस्ट दोबारा से देख रहा हूं कितना है, 10% ही है जी, 10% 2 लाख का, 10% 2 लाख का, तो ये आ गया जी 20,000 रुपए, 10% 2 लाख का 20,000 रुपए, मैंने यहां पर 20,000 लेस कर दिया 1,30,000, 1,30,000 का 50%, ये आ गया जी 65,000, 65,000 बाकी बच गया जी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है, दूसरे केस में प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है जी, तो यहां तक बात पहुंच गई, 65,000 प्रेफरेंस डिविडेंड निल, बैलेंस जो फिगर बच गई ये हो गया जी 65,000। अब मैं आ गया जी नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चेक करूंगा कितने हैं, 5,000 ये है और 1,000 ये है, टोटल 6,000 है जी, 6,000 है इक्विटी शेयर्स, 6,000 है, तो डिवाइडेड बाय 6,000 ये आ गया जी 10 रुपए, बिल्कुल आंसर ठीक है 10 रुपीज 83 पैसा। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ रहा है कि हम कैसे करने वाले हैं, हम प्रपोजल 1, 2, 3 और 4 सभी का कैपिटल स्ट्रक्चर लिखेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको स्टेप 1 देखना ही होगा, क्योंकि स्टेप 1 देखे बिना नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो स्टेप 1 दोबारा से देखा मैंने, और मैंने देखा इंटरेस्ट कितना है, 10% 3 लाख का 30,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो मैंने यहां पे लिख दिया जी 30,000 रुपए का इंटरेस्ट, ये आ गया जी 1,20,000, ये आ गया जी 1,20,000, और ये मैंने 60,000 रुपए लेस कर दिए, ये बैलेंस बच गया जी 60,000। अब आ जाइए चेक करते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड निल, ये 60,000 आ गया जी। अब आ जाइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थर्ड प्रपोजल में तो 5,000 ही है जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 5,000 को लिख देते हैं, ये 5,000 लिख दिए, ये 12 रुपये आ गया, बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। मैं आ गया जी लास्ट केस नंबर 4 में, और केस नंबर 4 में इंटरेस्ट जो है वो कितना है उसको देख लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये लीजिए ये 75,000 रुपए लेस कर दिए, ये बैलेंस बच गया जी 75,000। अब यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए 8% 20,000 का 16,000, 20,000 का या 2 लाख का, मैंने गलत लिखा था, तो 2 लाख का 8% तो बताइए 8% 16,000 मैंने लेस कर दिया, तो 75,000 में से 16,000 लेस कर दें तो बैलेंस बचता है जी 59,000। अब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखूंगा कितने हैं, लास्ट प्रपोजल में 5,001 है जी और 1,001 है, ठीक है, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी 6,000,
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी 6,000 इक्विटी शेयर्स, 59,000 डिवाइडेड बाय 6,000, ये आ गया जी 9.83 9.83 9 रुपीज 83। अब आराम से देख लीजिए सबसे ज्यादा जो ईपीएस है। अब एक बच्चा कह रहे हैं यहाँ पे एमपीएस नहीं निकालेंगे, नहीं बेटे, क्योंकि एमपीएस निकालने के लिए एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है और उसका नाम है प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आपको प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दिया तो फिर आप एमपीएस नहीं निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए थर्ड स्टेप में आ जाइए, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन स्टेप नंबर 3 रिकमेंडेशन। तो लिखेंगे द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू रेज ₹3 lakhs for expansion purpose by 10% borrowings in order to maximize, पूरा लिखना मेरे बेटे तभी नंबर आएंगे, to maximize EPS, in order to maximize earning per share। तो कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 5th भी कर दिया, ठीक है जी। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 और 3, दो क्वेश्चंस और करेंगे आज की क्लास में। एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप अगर ये प्रैक्टिकल कर लें तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो समझाऊंगा आपको समझ आएंगे। तो आइए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, हम क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। और आप एक बार चेक कर लें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस तरह का है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 243। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लें, मुझे लगता है कि आप पढ़ भी चुके होंगे। पेज 243 में इस क्वेश्चन में कुछ अलग सी खासियत है जो मैं इसको कहता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे अगर आप देखें तो सीडब्ल्यू की स्टडी में आ चुका है, सीए की स्टडी में आ चुका है, सीएमए के कंपेंडियम में आ चुका है, सीए दिसंबर 2005 में आ गया है और दिसंबर 2009 में भी आ गया है। कमाल की बात है जी, इतने सारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। और आप देखें इसमें लिखा है अ कंपनी नीड्स ₹12 lakhs फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री। एक कंपनी को 12 लाख रुपए की जरूरत है जी, 12 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है एक नई फैक्ट्री की, जिससे जिससे 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे ईबीआईटी के रूप में, ठीक है जी। तो अ कंपनी नीड्स ₹12 lakhs फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू फैक्ट्री व्हिच वुड यील्ड एन एनुअल ईबीआईटी। तो ये इन्वेस्टमेंट है और ये EBIT है, दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज EBIT। द कंपनी हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग EPS, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि EPS को मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स प्लस प्लस रेजिंग अ डेट, अंडरलाइन कर दीजिएगा, प्लस रेजिंग अ डेट ऑफ ₹2 lakhs, 6 lakhs and 10 lakhs। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें तीन ऑप्शंस हैं, तीन प्रपोजल्स हैं, देयर आर 3 प्रपोजल्स, डेट ऑफ ₹2 lakhs, 6 lakhs and 10 lakhs एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹40, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, विच इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू ₹25 पर शेयर, जो ₹25 की हो जाएगी इफ द मार्केट बोरिंग्स वर एक्सीड ₹7,50,000, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और नीचे चेक करें, अगर आपने बोरिंग अप टू 2.5 लाख तक की है तो 10% का रेट है, 2.5 लाख से लेकर 6.25 तक है तो 14%, और 6.25 से लेकर 10 लाख तक है तो रेट है 16% का, 16%
मैं इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखकर मुझे डांस करने का मन करता हमेशा कि इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। Assuming the tax rate be 50%, work out the EPS and find out which is the best proposal which will meet the objective of the management. तो आइए जी हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की कुछ खूबसूरती वाली बातें लिख लें कि क्या क्या बड़ी अच्छी बातें हैं इस क्वेश्चन में। पहली बात जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट वन में, देर आर थ्री प्रपोजल्स, तीन प्रपोजल्स हैं ये। अभी मैं कर नहीं रहा, मेन आंसर नहीं कर रहा, खाली ध्यान से आपको समझा रहा हूं। देर आर थ्री प्रपोजल्स, तीन प्रपोजल्स, देर आर थ्री प्रपोजल्स, प्रपोजल वन, प्रपोजल टू एंड प्रपोजल थ्री। और तीनों प्रपोजल्स में 12 लाख रुपीस का टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 12 लाख रुपए की टोटल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल इंप्लॉयड इज 12 लाख रुपीस तीनों में। मतलब आप डेट इक्विटी आप जो भी लेंगे, डेट इक्विटी लेंगे तो डेट इक्विटी के बाद टोटल 12 लाख रुपए ही आपके पास आने वाले हैं। बट उसने आपको क्या कहा, डेट ऑफ रुपीज 2 लाख। पहले केस में डेट देखें तो 2 लाख रुपए का है, दूसरे केस में डेट देखें तो 6 लाख रुपए का है, और तीसरे केस में डेट देखें तो 10 लाख रुपए का है। बैलेंसिंग फिगर आप ध्यान से देखें तो इक्विटी की 10 लाख रुपए की होगी, इक्विटी की यहां पर बैलेंसिंग फिगर 6 लाख रुपए की होगी, और इक्विटी की यहां पर बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए की होगी। तो ये दोस्तों बैलेंसिंग फिगर है, आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला नोट तो ये है कि इसमें डेट 2, 6, 10, 3 है, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी है और टोटल 12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। नोट नंबर टू अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो एक नोट नंबर टू भी है। आपको इस क्वेश्चन में इश्यू प्राइस गिवन नहीं है, और मैंने पिछली क्लास में कंसेप्ट नंबर 9th लिखवाया था और उसमें बातें बताई थी, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डेट इक्विटी मिक्स। उसमें एक बात लिखवाई थी कि अगर इश्यू प्राइस गिवन नहीं है, If issue price is not given to you, if issue price is missing, then assume market price as issue price, क्योंकि free pricing हो चुकी है मेरे दोस्तों। तो पहली बात इस बात में, इसके बाद दूसरी बात लिख रहे हैं, as issue price is not specified in the question. As issue price is not specified in the question, hence we are assuming, हम क्या assume कर रहे हैं, market price per share MPS as issue price, हम market price को issue price मान रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए, हम market price को इशू प्राइस मान रहे हैं, मार्केट प्राइस को इशू प्राइस मान रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पर एक नोट नंबर थ्री बनता है, जब मैं इसको मार्केट प्राइस को इशू प्राइस मान रहा हूं तो कुछ बच्चे गलती कहां करते हैं, वो 10 लाख रुपए जो दिए हुए हैं उसको वो लिखा हुआ है इक्विटी, और मेरे बेटे इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी में तो सब कुछ आता है बेटे, इक्विटी का मतलब है प्रोप्राइटर्स फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा, इसमें जीडीआर भी आएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो 10 लाख रुपए है इसमें इसका मतलब इक्विटी नहीं है। तो मैं अगर पहले केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालूं तो कितने आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 40, वो आ गया जी 25,000। और मेरे बेटे 25,000 में 10 रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे बेटे, और 30 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो ये मैंने फिगर निकाल दिया है 2.5 लाख रुपए की और 7.5 लाख रुपए की, ये फिगर आ गई है टोटल 10 लाख रुपीज की। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना,
कोई जल्दी नहीं है मेरे बेटे, कंसेप्ट ध्यान से देख लो कि मैं क्या करता जा रहा हूं, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ मेरे बेटे, मैं तो क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं कि बेटे ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ, आराम से कोई टेंशन नहीं है बेटे, इसकी एंट्री भी समझ लो कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करने के लिए मेरे बेटे आपको मैं बताऊं, मैं एक एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटे बैंक में तो 10 लाख रुपए ही आएंगे, इक्विटी शेयर में 2.5 लाख रुपए आएंगे और बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम में 7.5 आएंगे। अब एक बच्चा चक्कर में पड़ गया, तो कहते पहले तो ये बताओ 40 रुपए आया कहां से, बेटे मैंने कहा था ना कि 40 रुपए इशू प्राइस है, मान लिया है किसके बराबर मान लिया है, एमपीएस के बराबर मान लिया है, इशू प्राइस को एमपीएस को इक्वल मान लिया है, क्योंकि हम फ्री प्राइसिंग कर रहे हैं, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट एक जमाने में होता था, आजकल कोई कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट नहीं है, तो हमने एमपीएस को इशू प्राइस के बराबर मान लिया है पहली बात। दूसरी बात, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो 40 रुपए का अगर मैं संधि विच्छेद कर दूं, 10 रुपए फेस वैल्यू है तो बट नेचुरल है जी 30 रुपए का क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो बेटे 30 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो मैंने उसी तरह से एंट्री लिखी है, आप कहें तो मैं इसकी नरेशन भी लिख दूं, वैसे मैंने इसको अलग से अपने नोट्स में भी मेंशन किया है, तो मैं लिख रहा हूं बीइंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30, 30 रुपए के प्रीमियम से आप यहां पर काम कर रहे हैं, तो 40 रुपए का संधि विच्छेद किया मैंने, ठीक है जी। अब दूसरा केस देखिए, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, अभी दूसरा केस देखिए, इसमें इक्विटी 6 लाख रुपए की है मेरे बेटे, इक्विटी यहां 6 लाख रुपए की है, तो बताइए यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे, तो नोट नंबर थ्री नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 लाख रुपीस को हम भाग कर रहे हैं बेटे, 6 लाख रुपए को मैं भाग कर रहा हूं और बेटे 40 से भाग कर रहा हूं, 15,000 इक्विटी शेयर्स आ गए, और बेटे 15,000 का दोबारा से संधि विच्छेद कर दिया, 10 रुपए तो बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए और 30 रुपए बेटे दोबारा से सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गए, ये देख लीजिए, और इसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बेटे बैंक में कितने पैसे आएंगे 6 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने आएंगे 1,50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने आएंगे 4,50,000, आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं, एक क्वेश्चन कम हो जाए कोई बात ही नहीं। नोट नंबर 4 जरूर समझ लेना, क्योंकि नोट नंबर 4 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां चेक कर लीजिए 2 लाख की इक्विटी है और 10 लाख की बोरिंग है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी और डेट बढ़ जाएगा 7.5 से, तो मार्केट के सेंटीमेंट्स वीक हो जाएंगे, अच्छा जब मार्केट में सेंटीमेंट्स वीक होंगे, तो बट नेचुरल है मार्केट प्राइस में कुछ कमी आएगी, तो मैं यहां पर नेक्स्ट में लास्ट में ये लिख रहा हूं नोट नंबर फोर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 2 लाख, मेरे बेटे यहां 40 से डिवाइड नहीं करेंगे बेटे, 25 से करेंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मेरे बेटे कि अगर 7.50 से आपकी बोरिंग बढ़ जाएंगी तो बेटे 40 रुपए का मार्केट प्राइस 25 रुपए हो जाएगा, बेटे आराम से देख लें लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है मेरे बेटे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लेंगे,
भाग में 25 ये आ गया जी 8,000, 8,000 इक्विटी शेयर्स, 8,000 का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो बेटे 10 रुपए यहां पर और 15 रुपए यहां पर आ गया। और इसकी एंट्री लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बेटे 2,00,000 रुपए आ गया जी बैंक में, ये आ गया 2,00,000 रुपए। ये बेटे 80,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया और ये आ गया जी 1,20,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। बीन बीन 8,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15। ये मैंने आपके सामने नोट नंबर 4 लिख दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब एक बात और समझनी है जो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मैंने नोट भी अलग से मेंशन किया है। आप एक बार नोट नंबर 6 पढ़ लें, सभी बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से, नोट नंबर 6 पढ़ लें। उसमें मैंने एक बात लिखी है क्वेश्चन में, जो मतलब बुक में जो प्रिंट करा है नोट नंबर 6। अब एक बच्चा कह रहा है नोट्स लिखवा भी रहे हैं, बुक में भी नोट है। बेटे ये प्यार है कि आपको सभी क्वेश्चंस का अंदर तक ज्ञान प्राप्त हो और आप 6 महीने पहले बन पाए। बेटे अगर आपने कहीं आगे पीछे से कोचिंग की तो इतनी सारी बातें नहीं पता चलेंगी, इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे, इतने थ्योरी की बातें नहीं होंगी। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी चीजों को ध्यान से समझ लें, इसलिए मेहनत की है मेरे बेटे। ऐसी किताब भी अवेलेबल नहीं होगी मेरे बेटे। तो चलिए आप चेक करिए यहां पर जो नोट नंबर 6 है, उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे। जैसे पहले केस में डिबेंचर्स आप जो इशू कर रहे हो, कितने इशू कर रहे हैं जी? पहले केस में जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 2,00,000 रुपए के। फिर दूसरे केस में कितने कर रहे हैं? 6,00,000 रुपए के। फिर थर्ड केस में कितने कर रहे हैं? 10,00,000 रुपए के। 2, 6 और 10, 2, 6 और 10। तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आप अगर ध्यान से गौर फरमाएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है जी। तो नोट नंबर 5 में मैं एक बात ये लिखना चाहता हूं, डिबेंचर्स डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड, डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड ईदर ऑन फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईदर एट फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एट स्लैब रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो बातों का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा डिबेंचर्स या तो फ्लैट रेट में हो सकते हैं और या किस में हो सकते हैं? स्लैब रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लैट और स्लैब। अच्छा, जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबने फ्लैट ही था। स्लैब वो होता है जो बेटे इनकम टैक्स का जैसे रेट है इंडिविजुअल के ऊपर, और कॉर्पोरेट के ऊपर जो लगता है बेटे वो फ्लैट रेट है, और वो स्लैब कॉर्पोरेट के ऊपर जो लगता है वो फ्लैट रेट है, और जो इंडिविजुअल के ऊपर लगता है वो स्लैब रेट है। आप समझ आया फ्लैट और स्लैब क्या होता है? जो एक इंटरवेल के लिए कॉन्स्टेंट हो, अगर उससे इंटरवेल से आगे चले गए तो वो नया रेट आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले केस में, पहले वो क्वेश्चन कह रहा है ओन फर्स्ट ₹2,50,000, पहले 2,50,000 रुपए में, ओन नेक्स्ट ₹3,75,000, अगले 3,75,000 रुपए में, ओन नेक्स्ट ₹3,75,000 और उससे अगले 3,75 में। आराम से बेटे, एक बच्चा सोच रहा है फिगरे आ कैसे रही है, कैसी बातें कर रहे हो बेटे। 6,25,000 में से अगर आप 2,50,000 कम कर दें तो 3,75 ही आते हैं। इसी तरह से 10,00,000 में से आप अगर 6,25 कम कर दें तो बेटे 3,75 ही आते हैं। ये कह रहा है जी यहां पर इंटरेस्ट रेट लगेगा 10% का, यहां लगेगा 14% का और यहां लगेगा 16% का। 10, 14 और 16, 10%, 14% एंड 16%, ये 3 रेट दिए हुए। तो अब आपको समझ आया यहां पे स्लैब रेट का मतलब क्या है।
चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक बातें सबको समझ आ गई हैं। अभी धीरे धीरे और करते हैं। आप पहले सबसे पहले मेन सॉल्यूशन में आ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। ठीक है जी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जी तीन प्रपोजल्स हैं, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पे लिख दिया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां लिख दिया मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम और यहां लिख दिया मैंने डेट। एक बच्चा कह रहा है सर नीचे ही देखते यार। हाँ बेटे, आज प्रैक्टिकल करा रहा हूं ना, सोल्यूशन दे रहा हूं ना, मैं चाहता हूँ बढ़िया लिखूं और आपको पूरा बताऊं मेरे बेटे। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा और आज का लेक्चर पहला कर रहे हैं तो आपको मैं भूत दिखूंगा, भूत, डायन, चुड़ैल। लेकिन आपको मैं सुझाव दे रहा हूं कि पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर चेक कर लें फाइनेंशियल डिसीजन का। इवन आपने होमवर्क भी नहीं किया ना तो यकीन मानिए लेक्चर टू में इतना समझ नहीं आएगा आपको। कहते हैं होमवर्क से ही पता चलती है बातें, तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम और डिबेंचर्स, ये तीन बातें मैंने लिखी हैं। 2 लाख टू लैक्स, 6 लैक्स और 10 लैक्स, दो लाख, 6 लाख और 10 लाख। ठीक है जी, आइए आगे चलें। इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे मैंने आपको अभी नोट्स में लिखवा दिया था और बता भी दिया था, 25,000 × 10, यहाँ तो मेरे बेटे 2.5 लाख की है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 750 का है और बेटे यहाँ पर 15,000 के इक्विटी शेयर्स हैं और ये 1.5 लाख रुपए है और यहाँ पर 4.5 लाख है और बेटे 8,000 × 10, ये बेटे 80,000 है और ये 1,20,000 है। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये नोट से लिखा है, वहीं से लिया है मैंने, कोई ऊपर से जर्मन लैंग्वेज नहीं लिख रहा। तो ये टोटल कर लें, ये 12 लाख आ रहा है, ये 12 लाख आ रहा है, ये 12 लाख है, ये आ गया जी कैपिटल इंप्लॉयड 12 लाख रुपीस आपके सामने। पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैं स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगा। स्टेप 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं आराम से स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगा और मैं बताना चाहता हूं कि स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे। आप आराम से पहला स्टेप लिख लें, मैं खुद आपके सामने कैलकुलेटर की मदद से सब कुछ सॉल्व कर रहा हूं बेटे। ठीक है जी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तो मैं तीनों प्रपोजल्स की एक बार प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं और मैंने लिख दिया जी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और यहां पर लिख रहा हूं EBIT, फिर बेटे लेस इंटरेस्ट करूंगा और यहां पर फिगर आएगी EBT और फिर लेस टैक्स करूंगा और फिर यहां पर फिगर आएगी EAT और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करूंगा और फिर नीचे चलता जाऊंगा। बेटे लड़के और लड़की की कहानी है, बिल्कुल ठीक है, आराम से। अब आप चेक करें कि आपको EBIT उन्होंने कितना दिया है। वो कहते हैं जी 2 लाख रुपए की EBIT है, 2 लाख रुपीज की EBIT है, 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट बेटे बस यहीं पे पॉइंट छुपा है, इंटरेस्ट बेटे 2 लाख का है, 2 लाख पे, 6 लाख पे और 10 लाख पे। इसका मैं तो चाहता हूं एक वर्किंग नोट बना लें क्योंकि यही पॉइंट छुपा हुआ है। आप लिख लें वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां लिख लें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज पर स्लैब रेट्स as per slab rates. संजीव के पास वो आता हूँ अभी सपना आ रही है दो मिनट में कुछ दे देंगे फिर वो ये तो इन लोगों को निकल जाता हूँ नहीं मैं भी दस मिनट नहीं लगेगा दस मिनट बाद छोड़ो फिर जा कोई जरूरत नहीं है मुझे दो या तीन मिनट लंच की तो करना है अच्छा हाँ ये आप थोड़ा वहाँ थोड़ा उसको फिर भेज देना आधा घंटे बाद आ जाएगा ये काट देना बीच में है ना 15 मिनट बाद खत्म हो गई उसको लंच करना है लंच के लिए ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है जी इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स एज पर स्लैब रेट्स इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स एज पर स्लैब रेट्स मैंने वैसे स्लैब लिखवा दी थी ऑन फर्स्ट रुपीज 2,50,000 ऑन नेक्स्ट रुपीज 3,75,000 ऑन नेक्स्ट भी लिख सकते हैं ऑन नेक्स्ट रुपीज 3,75,000 ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बेटे 10% बेटे 14% बेटे 16% ये देखो बेटे 2.5 3.75 3.75 ठीक है जी तो अब आप चेक कर लीजिए आपके पास एक तो 2,00,000 रुपए फर्स्ट प्रपोजल में 2,00,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा वो तो इसी स्लैब में चल रहा है तो 2,00,000 रुपए के ऊपर कितना निकालेंगे 10% 2,00,000 रुपए का ये तो मेरे बेटे 20,000 रुपए आ गया और अगर सेकंड प्रपोजल में देखें सेकंड प्रपोजल में तो आप 6,00,000 रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं मेरे बेटे हाय राम 6,00,000 रुपए में पहले 2,50,000 के ऊपर 10% है तो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट है बैलेंस बच गया 3,50,000 अगले 3,75 तक 14% था ना मेरे बेटे अगले 3,75 तक 14% था ना तो 3,50 इंटू 14% ये बेटे 49,000 आ गया ये बेटे 49,000 आ गया आराम से कोई टेंशन नहीं है तो बेटे 25,000 प्लस 49,000 ये आ गया जी 74,000 ये आ गया जी 74,000 रुपए का इंटरेस्ट बेटा सेकंड में 74,000 रुपए का इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 74,000 तो आप यहां पर 74 अभी लिखेंगे मैं इकट्ठा ही निकाल रहा हूं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी थर्ड केस में देखें अगर आप तो टोटल डिबेंचर्स हैं 10,00,000 रुपए के आपने 10,00,000 के लिए तो 10,00,000 में से पहले 2,50,000 के ऊपर 10% है तो बैलेंस बच गया 7,50,000 और फिर अगले 3,75 के ऊपर बेटे इस 2,50,000 के ऊपर 10% है इस 3,75 के ऊपर 14% है और इस 3,75 पे 16% है आराम से बेटे कोई जल्दी तो है ही नहीं तो बेटे 2,50,000 के ऊपर 10% है तो कितना आ गया जी 25,000 रुपए आ गए 3,75 के ऊपर 14% है तो कितना आ गया जी 52,500 रुपए आ गया और अगले 3,75 के ऊपर 16% है तो कितना आ गया जी 60,000 रुपए का आ गया तो टोटल देख लीजिए ये आ गया बेटे 25,000 प्लस 52,500 प्लस 60,000 = बेटे 1,37,500 आराम से बेटे 1,37,500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया ऑन डिबेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज रुपीज 1,37,500 अब मैं आराम से फिगर स्प्लिट कर दूंगा मैंने इसलिए पहले कराया कि आपको समझ आ जाए और दूसरे केस में 74 था ठीक है जी तो 74 यहां था और 1,37,500 यहां था
और पहले केस में था बेटे 20, अब मैं पहला केस कंप्लीट करूंगा, 180 की फिगर यहां पर आ गई और 90,000 रुपए यहां से लेस किए, बैलेंसिंग फिगर बेटे 90,000 ये बच गई और प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 90,000 रुपए आ गए आराम से, देख लीजिए कोई जल्दी नहीं है, 90,000 रुपए आ गया। अब मैं पहले कंप्लीट कर दूं क्या इसी को ही? ठीक है जी कंप्लीट कर देता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 90,000 और यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आराम से बैठे आप स्टेप नंबर 1 के कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएं, वहां देख लें ये 25,000 है इक्विटी शेयर्स, 25,000 90,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 3.60 रुपीज, ये आ गया बेटे ईपीएस 3.60 रुपए, 3.60 रुपए ये ईपीएस आ गया। इसी तरह से बेटे मैं नेक्स्ट सेकंड के लिए करूंगा, मैं उम्मीद है कि आप करें तो ज्यादा अच्छा है बेटे, अपना अपना करते हैं। मैंने तो कर दिया बेटे प्रपोजल टू, 2,00,000 में से 74 लेस कर दिए, फिर 1.26 आ गए, 1.26 में से 50% टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया, 63 आ गया, फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिया, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स बेटे 63 आ गए। तो इसको कंप्लीट करते हैं 63,000 यहां पे मैं लिख देता हूं और इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं बेटे, मेरे हिसाब से तो 15,000 है, 4.20 रुपए 4.20 रुपए 20 पैसा 4.20 रुपए आ गया जी ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर 4.20 रुपए आ गया जी। और यही आंसर है, एक बच्चा खुश हो गया, अच्छी बात है बेटे। प्रपोजल नंबर 3 1.37, तो चलिए बेटे जी कैलकुलेटर आपके हाथ में, इरादे बुलंद है बेटे, इरादे बुलंद होना बहुत जरूरी है। 31,250 प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लाए जी, 31,250 ये बेटे मैंने 31,250 लिख दिया और बेटे यहां 8,000 शेयर्स हैं, ये आपके सामने आ गया 3.91 रुपए बेटे। मैं रुक गया हूं, आप आराम से देख लें, ईपीएस अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर 3 रिकमेंडेशन। बेटे क्वेश्चन में जहां पर ईपीएस ज्यादा है उसी को लेना है, तो मैं लिख रहा हूं द मैनेजमेंट may be advised, the management may be advised to go for proposal number 2, that is issue 15,000 equity shares at the rate of rupees 10 and rupees 6 lakhs of loan in order to maximize EPS
इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ईपीएस। तो दोस्तों यहां पर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज की जो भी क्लास में मैंने बताया, अगर आप घर में एक बार और प्रैक्टिस कर लें तो मैं आपको दावा कह सकता हूं कि आपको ये बातें समझ आएंगी। और आप होमवर्क प्लीज लिख लें, नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले आप होमवर्क जरूर करके आए, तभी फायदा है दोस्तों, तभी फायदा है। आप लिखें जी, आइए होमवर्क में एक तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं दोस्तों, 4 कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा मत कर मेरे बेटे। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। आइए हम सब तालियों के साथ बोलेंगे बी हैप्पी बी जॉली बी चीयरफुल। और बेटे आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कंसेप्ट समझने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, जिस मर्जी मैसेंजर से कर सकते हैं मेरे बेटे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। चाहे आप मेरे से दूर हैं फिर भी बेटे मेरे वो आपकी चिंता और मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी एक ही कंडीशन है बेटे, मेरे से जितना मर्जी खून मांग लेना, लेकिन जब तक तुम खुद खून नहीं दोगे बेटे उस